आपने बता दिए और अजीत जोगी कलेक्टर है उन्होंने कहा टिकट बेचेंगे और भीड़ जमा होगी और ये पैसे एक नेशनल सब स्कूल को जाएंगे। तो उन्होंने ठीक है अगर समाज कल्याण में पैसा जा रहा है तो हम आ जाएंगे। मैंने पूरी टीम लेके आना, मैंने राम देवी गंगा नदी के म्यूजिक डायरेक्टर अभी गया उनका ऑर्केस्ट्रा सुरेश वाडकर और जितने एक्टर हैं सही जाफरी वगैरह सब को लेके आइए, सब लोग आए थे। और नेहरू स्टेडियम में वो कार्यक्रम हुआ है सुरेश भाई, उस कार्यक्रम में जितनी भीड़ थी नेहरू स्टेडियम में उतनी उसके पहले और उसके बाद नहीं देखी गई। तो खैर बहरहाल जब वो निकल रहे थे तो एयरपोर्ट से उन्होंने मेरी वाइफ को फोन किया, मैं आ रहा हूं रात में पाए खिलाना मत भूलना। तो मेरी वाइफ को हमेशा पंडित आयन जी कहते पुकारते थे क्योंकि वो पहली बार जब मिलने गई तो साड़ी और इतना बड़ा गोल टीका वो तो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करती है देवी जी तो उनको पंडित आयन कहते पुकारते थे कि ये जो प्रेम विवाह हुआ है ये पंडित आयन की शादी कसाई के साथ हुई है हमेशा कहते थे। तो अच्छा वो उनका उनके हिंदी के ज्ञान पर उनको भरोसा भी बहुत था। एक बार उन्होंने ये विचार किया कि घूंघट के पट खोल पिछर बनाए टाइटल है, तो बोले वाह क्या भजन लिखा है मीरा भाई ने। मैंने कहा रहा था ये कबीर का लिखा है मीरा भाई का नहीं है। चुप कर यार तुमको क्या मालूम। जब बहुत बहस हो गई तो उन्होंने अच्छा पंडित आयन को इंदौर में फोन लगाओ वो फैसला देंगे। मैंने कहा उसके पहले शर्त रखना चाहिए आप हारे तो दो बोतल जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल पूछ लेते हैं, मैं हारा तो मैं जो इंडियन विस्की पीता हूँ दो बोतल दे शर्त मराब नहीं की है बोतल दो। रात को मैं 12:30 बजे ऊषा को उठाया, ऊषा ने कहा भाषण ये कबीर का, फिर वो मान गए कबीर का। लेकिन आदमी कहना ज्ञानी था वो देखिए सत्य के ऊपर कोई घूंघट होता ही नहीं, सत्य के ऊपर कोई घूंघट होता ही नहीं, वो तो हमेशा रंग में खड़ा रहता है। घूंघट हमारे आंखों के सामने है, हमारे धन का घूंघट, हमारे सम्मान का घूंघट, हमारे पैसे का घूंघट, हमारे बैंक बैलेंस का घूंघट हमारे सामने। तो ये तय पाया गया कि वो घूंघट के पट को फिर बनाई जाएगी। तो उसकी कथा का कोई सूत्र खास में पकड़ में नहीं आ रहा कि स्टोरी क्या होगी। मुंबई से कुछ दूरी पर थाना है, थाने में पागल थाना है, तो इसमें रास्ता लेता है तो हमारे साथ चलो पागल थाना कहते हैं यहाँ कमी है पागलों की कि वहाँ जाना है। बोलिए मैं हर धोती महीने जाता हूँ, मुझे वहाँ शौक है पागलों से मिलने। हम गए वहाँ तो दूसरी बस हमेशा एक ही बात से दोहराती थी ये कत्ल मैंने नहीं किया। पागल खाने के अधिकारी तो बोला कि वो सिवा इसके कुछ बोलती नहीं है, हमेशा यही बात बोलती कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। तो रास्ता में ये तो कहानी का सूत्र पकड़ में आ गया कि घरेलू मध्यम वर्ग की स्त्री पहले कत्ल का इल्जाम लगा
फोर्स से चला गया। फिर उसको पागल बन के दौड़े पड़े तो पागल खाने में भेजा गया। अब हमको ये बढ़ाना पड़ेगा कि उसने कत्ल क्यों किया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।